रही हो? अरे मैं तो दिवाली की शॉपिंग करने जा रही हूँ और पटाखे खरीदने जा रही हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरे पापा ने तो मुझे 5,000 रुपए दिए पटाखों की शॉपिंग के लिए। अरे मेरे पापा ने तो मुझे पूरे 10,000 रुपए दिए पटाखे खरीदने के लिए। क्या 10,000? चलो हम दोनों चलेंगे पटाखों की शॉपिंग के लिए। हाँ चलते हैं, मजा आएगा। अरे इसे क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता, चारों ओर देखो, शोर ही शोर, धुआं ही धुआं। मैं तो बीमार हो गया हूँ। ये कैसे हुआ? अरे ये जो हम दिवाली पर पटाखे चलाते हैं ना, उसकी वजह से होता है। अरे दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएंगे तो और क्या करेंगे? अरे पटाखे तो जलाओ, लेकिन उसकी जगह हम कुछ और भी तो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम ग्रीन दिवाली मना सकते हैं। ग्रीन दिवाली? ये क्या होता है? आप लोगों को नहीं पता? नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि वो क्यों मनाते हैं? नहीं पता। फिर तो आप दोनों बस बुद्धू ही हो। चलो मान लिया हम बुद्धू हैं, तो आप ही बता दो ग्रीन दिवाली कैसे मनाई जाती है। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कि ग्रीन दिवाली कैसे मनाई जाती है। अरे सुनाओ भाई, क्या हाल है? आजकल तो भाई बुरा हाल है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे भाई, ये जो मानव जाति ने प्रदूषण कर रखा है ना, इसके कारण तो मुझे सांस भी नहीं आ रही है। अरे हाँ भाई, अब दिवाली आ रही है, अब तो और प्रदूषण होगा। हाँ भाई। अरे भाइयों क्या कर रहे हो, क्या गुटर को चल रही है? अरे हमारा तो जीना बेहाल हो गया है। ये कैसे हो गया? अरे पृथ्वी वासियों का दिवाली का पर्व जो आ रहा है। बात तो तुम सही कह रहे हो, चारों ओर धुआं ही धुआं, प्रदूषण ही प्रदूषण, शोर ही शोर। पिछली दिवाली मेरी दादी ऐसे ही धुएं की वजह से खांसती खांसती मर गई थी। हमें पृथ्वी वासियों को समझाना होगा कि ये प्रदूषण हम सबके लिए कितनी गंभीर समस्या है। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या करें, क्या करें, क्या करें? क्या हुआ सूरजमुखी बहन, तुम्हारा मुँह ऐसे मुरझाया क्यों हुआ है? क्या तुम्हें नहीं पता, दिवाली आने वाली है और लोगों ने तो पटाखे चलाने अभी से शुरू कर दिए। हाँ बहन, मैं भी देख रही थी आसमान में कितना धुआं छाया है और इन पटाखों की आवाज से तो मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। ये इंसान वैसे तो बड़ा समझदार है, पर जब दिवाली आती है तो ये भी नहीं सोचता कि हम जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी, हम सब प्रदूषण के कारण हमें कितनी दिक्कत होती है। हाँ हाँ, अब इस मानव जाति को कौन समझाएगा? हाय ये मानव। चंपा, अरे ओ चंपा, लगता है अब हम नहीं बचेंगे। इस धुएं ने तो हमें मार ही छोड़ा है। और बहन, पहले तो हम लोग घर पर मिठाई बनाते थे, अब तो सभी बाहर से लेकर आते और फिर सब गड़बड़ी हो जाता है। हाँ बहन, पहले तो मैं घर पर ही खीर और पेड़े बनाती थी, लेकिन आजकल के बच्चे, इन लोगों से तो पटाखे जलवा लो, प्रदूषण करने के सिवाय और कुछ आता ही नहीं है। सही कह रही हो बहन, ये तो पेड़ पंछियों के बारे में भी नहीं सोचते, पंछियों का तो बुरा ही हाल है। बहन इस साल तो हम स्वर्गवास हो जाएंगे, मुझे तो 2 दिन से सांस नहीं आ रही और लोग हमारे मरने पर जलेबी खाएंगे। मुझे तो पंछी नजर ही नहीं आते, चिड़िया देख तो मुझे बरसों हो गए। बहन इन्होंने पटाखे ही जलाने हैं तो कम प्रदूषण वाले जला लेना, कम शोर वाले जला ले। लेकिन इनको कौन समझाए, इनका तो दिमाग ही फिर गया है। हाँ बहन। मैं अर्थ हूँ, मैं धरती हूँ, ये क्या हो गया चारों तरफ, शोर ही शोर, प्रदूषण ही प्रदूषण, धुआं ही धुआं, मैं तो काली पड़ती जा रही हूँ। ये जाता जात का धुआं क्या पहले कम था, अब ये दिवाली आ गई, अगर इस प्रदूषण को कम ना किया गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। ये मनुष्य अपना तो नुकसान कर रहा है और साथ ही साथ मेरा भी नुकसान कर रहा है। अभी देखा था वो दो बुढ़ी औरतों का कितना बुरा हाल था, इसी तरह छोटे छोटे बच्चे, पेड़ पौधे।
पौधे, पशु, पक्षी सब प्रदूषण से बेहाल हैं। तो आओ हम सब मिलकर अपनी धरती को बचाएं। मुझे बचाओ, अपने आप को बचाओ। तो देखा आपने, प्रदूषण से पेड़ पक्षी पौधों का कितना बुरा हाल है, इसीलिए हमें ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए। अगर हम लोग ग्रीन दिवाली ही बनाएंगे तो पटाखे कैसे चलाएंगे, और अगर पटाखे नहीं चलाएंगे तो दिवाली का मजा कैसे आएगा। अरे पटाखे तो चलाओ, लेकिन कंट्रोल में चलाओ। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन लोग पूरी पूरी रात पटाखे चलाते हैं। ये भी गलत बात है, पटाखे चलाने का सही समय शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का होता है। अगर हमें अपने आप को और वातावरण को बचाना है ना, तो इस पर अमल करना होगा। हमें समझ गए हैं, इसीलिए बनाते हैं।